हेलो, दिस इज़ इमरान मलिक और आप सब जुड़े हो इमी इन्फो के साथ। तो आज एक अच्छा केस स्टडी प्रेजेंट करूँगा, अच्छा लगेगा। तो ये है गीगाबाइट H110M S2। तो ये बोर्ड फ़िलहाल तो मैं रिपेयर कर चुका था, पर मुझे याद आया कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, तो इसके ऊपर एक वीडियो बना दूँ। क्योंकि नॉर्मली जो रेगुलर बेसिस प्रॉब्लम होता है उसके ऊपर वीडियो बना के फ़ायदा नहीं है, तो रेगुलर एक ही काम हो जाता है, तो वीडियो नहीं बनाता हूँ इसीलिए। तो ये कुछ अलग सा था, पर मुझे याद ही नहीं था वीडियो बनाऊँ, तो फिर से मैं सोचा कि एक वीडियो बना दूँ ताकि आप लोगों को काम आ जाए। देखो, इस बोर्ड में रीस्टार्टिंग प्रॉब्लम का पहले जब था तो रीस्टार्ट प्रॉब्लम का इशू था, बोर्ड में रीस्टार्ट हो रहा था बार बार। तो आप भी देख लो कैसा रिस्टार्ट होता है और कैसा रिस्टार्ट पे कैसा सोल्यूशन है वो भी देख लो। तो एक फैन लगा देता हूँ ताकि और भी आसान हो जाएगा। फैन लगा दिया, चलो PS ऑन इसका आ चुका है, मैंने पावर दे दिया। टिगर करते हैं, तो देखो अब मैंने टिगर कर दिया, दिख तो रहा है ना, ये ऐसे बार बार रिस्टार्ट हो रहा है। तो ऐसे ही हो रहा था, तो अनफॉर्चुनेटली इसका मैं क्या किया बता रहा हूँ। एक IC जो है, ड्राइवर IC, वो गुम हो गया, अभी मिल नहीं रहा है, कहाँ गिरा है मुझे पता नहीं, वो ढूंढ के मिलेगा भी नहीं। तो देखो ऐसे ऐसी टाइप का अगर रिस्टार्ट हो रहा है आपके बोर्ड में, अगर गीगाबाइट के ऊपर 110 आ जाए और कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है बार बार आपके साथ, तो आप सीधा एक काम कर सकते हो। अभी मैं ऑफ कर देता हूँ, ठीक है, अभी समझा देता हूँ। तो ऑफ कर दिया, अभी देखो इसका CPU भी सही है, RAM भी सही है, और CPU RAM के वजह से रजिस्टर नहीं हो रहा है, और ऐसा रजिस्टर BIOS के वजह से नहीं होता। ठीक, BIOS के वजह से अगर बोर्ड में आपका रजिस्टर होगा तो कुछ कोडिंग आपका बोर्ड में डिबग कार्ड में कुछ कोडिंग वेरिएशन होगा, एक बार या फिर दो बार वेरिएशन होने के बाद बोर्ड रजिस्टर हो रहा है तो फिर रीज़न BIOS हो सकता है। और 110 में और एक रीज़न होता है जो मैं क्लियर कर दूं, अगर कोडिंग कुछ आ रहा है और बार बार कोडिंग के साथ रिस्टार्ट हो रहा है तो फिर पहले पहला स्टेप आपको होना चाहिए BIOS। तो पहले आप BIOS को ट्राई करें, रिप्रोग्राम करें, और फिर भी सेम प्रॉब्लम है, सॉल्व नहीं हो रहा है, तो गीगाबाइट के 110 के ऊपर और एक ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर एक देख सकते हो MOSFET वगैरह है एकदम ऊपर में, जो यहाँ पर CPU सिस्टम फैन के सॉकेट के सामने जो है, उसके बाद 1, 2, 3 नंबर एकदम ऊपर वाला जो यहाँ पर एक MOSFET है, ये कभी कभार ख़राब होने के वजह से ये कोडिंग आने के साथ साथ रजिस्टर्ड वाला केस होता है। पर इस बोर्ड में ऐसा नहीं है, कोई भी कोडिंग नहीं है, जीरो आके ही रजिस्टर्ड हो रहा है, आपने देखा पहले तो। मैंने भी अच्छी तरह से देखा, जब फाइंड आउट हुआ मुझे तो प्रॉब्लम यहाँ पर देखो, एक ड्राइवर IC था छोटा सा, तो यही मैं ढूंढ रहा था अभी अब तक, ये कहाँ, मैंने जब उठाया फिर से एक बोर्ड लिया मैंने और एक बोर्ड से ये लगाया तो बोर्ड रेडी हो गया है, पर मैंने फिर से अच्छा वाला को उठा के साइड में रख दिया, और ख़राब जो था वो फॉल्टी वाला, उसे मैं ढूंढ ही नहीं पा रहा हूँ यहाँ पर कहाँ पर चला गया है। उसे मैं लगा के दिखा था तो और भी समझ जाते, पर अभी ये मैंने रिमूव कर दिया है, और मैंने एक बोर्ड से ये गीगाबाइट का और एक बोर्ड था, इस बोर्ड से कलेक्ट कर लिया। तो वो कंपोनेंट कुछ ऐसा होता है, देखने में देख सकते हो ऐसा एकदम छोटा छोटा सा है, ये देख सकते हो बिल्कुल छोटा सा है। तो ये खराब था जिसके वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा था बार बार, ये स्टार्ट 0 0 आके ही ऑफ, 0 0 आके ही फिर से ऑफ, तो ऐसा हो रहा था। तो ये वाला जो IC है वो मैंने और एक स्क्रैप बोर्ड से रिमूव किया है, इसे एक डोनर बोर्ड से लिया मैंने, तो इसे हम यहाँ पर लगाएंगे और देखेंगे चलता है कि नहीं। मैंने इसे लगाया, देखा चल रहा है, तो फिर भी मैंने उठाया, खराब भी हो सकता है हीट के वजह से, फिर मैं लगा रहा हूँ, यहाँ पर इंसर्ट कर रहा हूँ, अगर इससे नहीं होता है तो और एक IC मुझे निकाल के लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बहुत छोटा है, इसका जो नोड है पहले मैं खुद देख लूँ एक बार, मैं बार बार मेंशन कर रहा हूँ, अगर ये स्टार्ट बहुत रीस्टार्ट का प्रॉब्लम बहुत कुछ वजह से होता है, जो रीस्टार्ट किस टाइप का है वो आपको देखना है, कोडिंग आ रहा है, कोड वेरिएशन हो रहा है फिर रीस्टार्ट हो रहा है, कोड नहीं आ रहा है रीस्टार्ट हो रहा है, तो ये फॉलो करना है। अगर मैंने बता दिया कोड आ रहा है
रिस्टार्ट हो रहा है, तो फिर बायस का रीज़न हो सकता है, और वहाँ पर मैंने जो बोला एक मॉसफेट का रीज़न हो सकता है। और इस टाइप का जो बोर्ड में है, अगर इस टाइप का रिस्टार्ट हुआ तो सीधा आप ये जो ड्राइवर आईसी है इसे एक बार रिप्लेस कर दें, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा 100%। और इसके साथ साथ और एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, ये पहले मैं लगा तो दूँ, एसएमटी को ऑन करूँ, ये पहले मैं लगा दूँ और एक चीज़ बता दूंगा, उसे भी ध्यान देना होता है, ठीक है। तो इसका नोड मुझे पता नहीं चल रहा है, ये इतना छोटा आईसी है, इसका नोड मुझे पता नहीं चल रहा। चलो मिल गया, यही इसका होगा, तो अभी मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा, इसे लगाने के बाद दिखाता हूँ, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। चलो फिर से एक बार देख लेता हूँ, क्योंकि ये अगर उल्टा पलटा हो गया तो यहाँ पास जितने भी मॉस्फेट है सारा खराब हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। तो और भी दो वजह से रिस्टार्ट होता है, और दो एक वजह से वो भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। पहले इसको इंसर्ट कर दूँ, चलो मैंने इसे लगा दिया, आप देख सकते हो प्रॉपरली, ये देखो ये वाला जो आईसी था, मुझे खुद ही नहीं दिख रहा है, हाँ ये वाला जो आईसी था मैंने लगा दिया। तो और थोड़ा सा बता दूँ, फिर मैं चला रहा हूँ बोर्ड को, और देखो ये वाला आईसी अगर शॉर्ट हुआ, खराब हुआ, तो इसके साथ यहाँ पर जो मॉसफेट है, ये इसका जीपीयू सेक्शन है, ये मॉसफेट ज़्यादातर ये फास्ट वाला मॉसफेट खराब होता है, ठीक है। इसके वजह से भी बोर्ड ऐसा रिस्टार्ट होगा या फिर नो पावर कंडीशन में आ सकता है, दिमाग में रखना पड़ेगा। इसके वजह से भी रिस्टार्ट हो सकता है ये मॉसफेट अगर खराब हुआ, और नो पावर या फिर डीएरएम सेक्शन को डालने के बाद पावर ट्रिगर करोगे तो बोर्ड नहीं चलेगा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी देखो ये जो आईसी है मैंने लगा दिया, अब एक बार बोर्ड को चला के देखेंगे कि इसका जो प्रॉब्लम है था वो शॉर्ट आउट हुआ कि नहीं। अगर नहीं होता है तो फिर और एक लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये एक बहुत छोटा कंपोनेंट है जो हीट करने की वजह से कभी कभार खराब हो जाता है। चलो देखते हैं, चलो सॉल्व हो गया। तो देखो मैंने बोला था पहले भी, मैंने लगाया, लगा के चेक किया तो सॉल्व हो गया। तो एक बजर लगा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाएगा कि इसका डिस्प्ले आएगा, बीजे भी लगा देता हूँ। तो देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और ध्यान से वीडियो को देखना, स्किप करोगे तो ये मैं लास्ट में बोल के क्या फायदा, पहले ही बोलना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, जो मर्जी करो, सीखना है तो पूरा देखो, नहीं तो आधा आधा देखो। देखो डिस्प्ले इसका आ चुका है अभी प्रॉपरली, देख सकते हो प्रॉपरली डिस्प्ले आ चुका है। एक सेकेंड मैं इसे रख लूँ ठीक से, तो अभी ये और डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो दुख की बात यह है कि वो आईसी मुझे नहीं मिल रहा है, यहाँ पर मैंने उठाया जब ये आसपास कहीं रखा था, पर अभी मिल नहीं रहा है वो। तो चलो कोई बात नहीं, तो मैं बोल रहा हूँ यही काफी है, जो अच्छे से सुनोगे तो काम ही आएगा आप लोगों का। तो अगर इस टाइप का प्रॉब्लम हो तो वो ड्राइवर आईसी के साथ, यहाँ पर दो मॉसफेट होता है, अगर ये लगाने के बाद भी सेम प्रॉब्लम हो रहा है तो समझ लेना कि यहाँ पर दो मॉसफेट है। खोल के समझा देता हूँ, देखो डिस्प्ले तो इसका आ चुका है, देखने वाला और कोई बात नहीं है। तो थोड़ा सा समझ लो, वीडियो को खत्म करना है तो देखो, तो अभी मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो देखो अगर ये सेम प्रॉब्लम हो रहा है, जैसा प्रॉब्लम मैंने दिखाया, ये ड्राइवर आईसी चेंज करने के बाद भी सेम हो रहा है, तो ये वाला जो मॉसफेट है फर्स्ट मॉसफेट, ये मॉसफेट को आप रिमूव कर दे। ये मॉसफेट रिमूव करने से
करने से भी बोर्ड चलेगा पर इसे रिप्लेस कर दे, ठीक है। यहाँ पर मॉसफेट लगाना जरूरी है क्योंकि ये ग्राफिक सेक्शन है जो कभी कभार बोर्ड में और भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है ये अगर रिमूव कर दोगे तो। पर ये ड्राइवर आईसी लगाना जरूरी है क्योंकि ये जो ड्राइवर आईसी है टोटल सर्किट को ये मेंटेन करता है, ठीक है। तो इसे खुला मत छोड़ना, तो इसे जरूर लगाना। तो देखो सिंपल सी प्रॉब्लम था पर ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लगा और ये नया कुछ है इसलिए मैंने वीडियो को बना रहा हूँ। तो वैसे बोर्ड तो बहुत पड़ा हुआ है, काम हो रहा है लेकिन सेम हो रहा है इसलिए वीडियो में डाल नहीं रहा हूँ। सेम प्रॉब्लम आ रहा है, BRM का शॉर्ट कोड IC खराब है या फिर आपका साउंड IC लैन IC ऐसा कुछ कुछ टाइप नॉर्मल जो रेगुलर बेसिस प्रॉब्लम होता है वैसा प्रॉब्लम का बोर्ड आ रहा है इसलिए वीडियो कम आ रहा है। तो ये एक नया आया है और भी कुछ 10-20 बोर्ड पेंडिंग है, उसमें से अगर नया कुछ प्रॉब्लम मिलेगा तो वीडियो मिलता रहेगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, डू सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए लव यू ऑल, जय हिंद।